व्हाट्सअप गई इज़ वेलकम बैक टू हाउस ऑफ अम्बिशन माई नेम इस देहा और मैं यहाँ पर हाजिर हूँ इंग्लिश डोमेन सीरीज़ की एक और नई वीडियो के साथ ठीक है इस वीडियो में आज हाँ हम ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम द टॉपिक इम्प्रूवमेंट ऑफ़ द सेंटेंस या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस या फिर कह लीजिए एक्टिव सॉरी ये बदल गया What's up guys? वेलकम बैक टू हाउस ऑफ अम्बिशन मैं नेहा हाजिर हूँ हमारी इंग्लिश डोमेन सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ ठीक है इस वीडियो में आज हम 25 फाइव क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके टॉपिक्स जिस टॉपिक से हैं उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस ठीक है या फिर आप उसको ये भी कह लीजिए एक्टिव या फिर पैसिव वॉइस ठीक है इसके हम ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन करेंगे और आज देखेंगे हम किस लेवल पे हैं इन क्वेश्चन में ओके आपको जो लगता है आप जिस लेवल पे हैं वो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ठीक है अगर आपको कोई, -कोई हेल्प चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं आप कॉमेंट सेक्शन में तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड फर्स्ट क्वेश्चन डिड द नॉइज फ्राइटन यू क्या तुम्हें आवाज ने डरा दिया डिड यू फ्राइटन बाय द नॉइज वॉज द नॉइज फ्राइटन बाय यू वर यू फ्राइटन बाय द नॉइज वर यू फ्राइटन बाय द नॉइज ठीक है अब देखिए गाइस एक सेंटेंस का सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या होता है कहाँ पर हाँ एक सेंटेंस का सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट राइट ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस ठीक है अब क्या हो जाएगा पैसिव में जो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है ना वो प्राइम हो जाता है और सब्जेक्ट जो होता है ना वो बैक सीट ले लेता है ठीक है ऑब्जेक्ट प्राइम हो जाएगा और सब्जेक्ट बैक सीट ले लेगा ले ले और बीच में क्या आ जाएगा बाय आ जाएगा क्या आ जाएगा बाय इसको हिंदी में कहूं तो इसका अगर मैं बोलू राम किताब पढ़ता है राम किताब पढ़ता है तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे किताबें राम के द्वारा राम के द्वारा पढ़ी जाती हैं ठीक है थीके? समझ में आ गया तो ये जो के द्वारा है ना के द्वारा इसको इंग्लिश में हम बाय कहते हैं क्या कहते हैं बाय तो ये हो गया आपका एक्टिव से पैसिव करना ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिड द नॉइस फ्राइटन यू तो इसका आंसर क्या होगा इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा डिड यू फ्राइटन बाय द नॉइज वॉज द नॉइज फ्राइटन बाई यू वर यू फ्राइटन बाय द नॉइज वर यू फ्राइटन बाय द नॉइज ठीक है अगर आप फर्स्ट सेंटेंस को देखोगे तो ये ये ग्रामेटिकली ना गलत है ठीक है ये सेंटेंस कुछ खास अच्छा फॉर्मेशन नहीं है इसका अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है ठीक है ये जो आप सेकेंड सेंटेंस देखोगे इसमें तो मतलब ही चेंज हो गया क्या आवाज तुमसे डर गई थी तो ये भी गलत हो गया ठीक है अब बात आ जाती है थर्ड और फोर्थ पे ठीक है फोर्थ भी गलत हो जाता है क्योंकि यहां पर जो फ्राइटन लिखा है ना वो फ्राइटन कोई शब्द नहीं होता है आइदर दिस इज फ्राइटेंड और फ्राइट ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड डोंट स्पीक अंटिल समवन स्पीक्स टू यू आपने बहुत बार सुना होगा बड़े लोग छोटे बच्चों को बोलते हैं जब तक, तक तुमसे बात ना करी जाए तब तक तुम्हें कुछ नहीं बोलना ठीक है अगर यही बात मुझे पैसिव में कहा कह, कहनी हो तो मैं कैसे कहूंगी डोंट स्पीक अंटिल यू स्पोकन टू डोंट स्पीक अंटिल सम वन इज स्पोकन टू डोंट स्पीक अंटिल यू हैव बीन स्पोकन टू डोंट स्पीक अंटिल सम वन हैज बिन स्पोकन टू अब देखो सेकेंड और फोर्थ तो गलत हो जाएगा क्योंकि इन, इन दोनों का मतलब ये बन जाता है कि, कि किसी और से बात हो रही है सम वन सम वन सम वन की बात नहीं हो रही है दे आर टॉकिंग अबाउट यू राइट अब जो आंसर है वो इन दोनों पे आके बैठ जाता है फर्स्ट और थर्ड पे ठीक है डोंट स्पीक यू आर स्पोकन टू डोंट स्पीक यू हैव बीन स्पोकन टू ठीक है यू हैव बीन स्पोकन टू नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि आप ये जो सेंटेंस देख रहे हो डोंट स्पीकिल यू स्पोकन अंटिल समन स्पीक टू यू ये क्या है आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट है क्या है प्रेजेंट इनडेफिनिट ठीक है इसका जब कन्वर्जन किया जाएगा तो पास्ट इनडेफिनिट हो जाएगा ना राइट right? हैव बीन ये परफेक्ट नहीं बनेगा ठीक है प्रेजेंट सिंपल से सिंपल पास्ट हो जाएगा इसलिए आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ओके नेक्स्ट वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज हम क्या कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम चरण पर जा रहे हैं दिस एक्सरसाइज इज एंडेड बाय अस द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज इज बीइंग रीच बाय अस दिस इज आर एंड टू द एक्सरसाइज द एक्सरसाइज हैज़ रीच इट एंड इट्स एंड देखो थर्ड और फोर्थ तो फिर से गलत हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों का मतलब ही वो नहीं है जो ये सेंटेंस बोलना चाहता है ठीक है अब बात आ जाती है वन और टू पे अब वन जो है ना दिस एक्सरसाइज इज एंडेड बाय अस या फिर द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज इज बीइंग रीच बाय अस मुझे लगता है फर्स्ट गलत हो जाएगा क्योंकि क्योंकि जो बात है वो ध्यान से सुनना वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज ठीक है हम जो है ना हम वी जो है इस एक्सरसाइज के एंड पर पहुँच रहे हैं ठीक है ये वाला सेंटेंस क्या बोलता है द एंड ऑफ ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ बीग रीच्ड बाय अस ये भी तो यही बोल रहा है ना कि इसके एंड पर हम हमारे द्वारा पहुंचा जा रहा है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड आई एक्सपेक्ट यू टू कम्प्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम ये जो काम है वो सनसेट से पहले पहले कंप्लीट कर लोगे तो इसका क्या कन्वर्जन होना चाहिए आई एक्सपेक्ट यू टू बी कम्प्लीटेड दिस वर्क बिफोर सनसेट ना सेंटेंस ही गलत है आई एम एक्सपेक्टेड यू टू कम्प्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट नहीं आई एम एक्सपेक्टेड ये क्या होता है भाई ट ठीक है हा दिस टू बी द राइट काइंड ऑफ क्या इंस्ट्रक्शन ठीक है यहां पर सही तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट फोर्थ को भी पढ़ के देख लेते हैं यू आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड यू आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड तुम तो कंप्लीट हो जाओगे इसका मतलब तो ये बन रहा है ना ये तो बोला ही नहीं गया है तो दिस इज रॉन्ग द आंसर विल बी थर्ड ओके नेक्स्ट द स्टोम डिड मच डैमेज तूफान ने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है मच डैमेज वॉज डन बाय द स्टॉम द स्टॉम डैमेज मच मच डैमेज एट द स्टॉम द स्टॉम वॉज डैमेज अब देखो फोर्थ तो सीधा सीधा गलत हो जाता है ठीक है फोर्थ सीधा सीधा गलत हो जाता है क्योंकि ये बोलता है स्टॉम मतलब तूफान को डैमेज हो गया तूफान को डैमेज थोड़ा ना होता है वो डैमेज करता है ठीक है मच डैमेज एट द स्टॉम फिर से वही बात हो रही है यार डॉमेज के यहाँ सॉरी स्टॉम के यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता ठीक है दिस स्टॉम डैमेज मच मच डैमेज वॉज डन बाय द स्टॉम सेंटेंस ग्रामेटिकली सही नहीं बैठ रहा है इसलिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट माई फादर विल राइट अ लेटर मेरे पिताजी क्या करेंगे एक लेटर लिखेंगे अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो आपका सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस में है। किस चीज़ में फ्यूचर टेंस में ठीक तो okay? तो तो है तो एनीथिंग थिंग दैट इज़ नॉट फ्यूचर विल नॉट बी एक्सेप्टेड ओके अ लेटर विल बी रिटन बाय माय फादर अ लेटर इज रिटन बाय माय फादर अ लेटर वाज़ रिटन बाय माय फादर अ लेटर विल हैव बीन रिटन माय फादर देखो सेकेंड और थर्ड तो गलत हो जाते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट में और ये पास्ट में है

ठीक है ही लाइक्स पीपल टू कॉल्स हिम सर उसे पसंद है जब लोग उसे सर कहते हैं ठीक है ही लाइक्स टू बी कॉल सर बाय पीपल इसका भी पहले पे ही मिल गया ही लाइक्स टू बी कॉल सर बाय पीपल वी एडिड अप द मनी एंड फाउंड दैट इट वॉज करेक्ट हमने पैसे को जोड़ा और देखा कि वो तो सही था पैसे तो सही है द मनी वॉज एडिड अप एंड फाउंड टू बी करेक्ट इसका भी आंसर हमको फर्स्ट में ही मिल गया ठीक एक है एकदम ऐप्ट कन्वर्जन है द टेलीग्राफ वायर्स हैव बिन कट जो टेलीग्राफ के वायर थे उनको काट दिया गया है ठीक है someone has been cut the telegraph wires no one has cut the telegraph wires the telegraph wires have been cut someone has cut the telegraph wires ठीक है अब देखिए सेकेंड तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सीधा सीधा बोल रहा है किसी ने टेलीग्राफ वायर नहीं काटे ये तो बात हो ही नहीं रही है ना ये तो बोला जा रहा है कि हाँ टेलीग्राफ वायर कटे हैं ठीक है इसका हमें पैसिव बनाना है सॉरी ये जो सेंटेंस है ना द टेलीग्राफ वायर्स हैव बिन कट ये ऑलरेडी पैसिव में है ठीक ठीक है 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 तार को काट दिया गया है, अब आपको इसका एक्टिव बनाना है क्या बनाना है एक्टिव ठीक है एक्टिव में हमें क्या चाहिए तो सब्जेक ओके गुड समवन हैज हाँ बिन कट द वायर्स बट ये ग्रामेटिकली सही नहीं है ना इसलिए आंसर क्या हो जाएगा समवन हैज हाँ कट द टेलीग्राफ वायर विल यू द ट्रूथ क्या तुम हमें सच बताओगे Is the truth told to us by her? The truth will be told to us by her. Will the truth be told to us by her? Will the truth be told us by her? इसका क्या होना चाहिए मैंने आपको बोला था कि सेंटेंस का सबसे पहले टेंस देख लो ठीक है अगर ये फ्यूचर में है तो इसका कन्वर्जन भी किस में होगा फ्यूचर में ही होगा किस में होगा फ्यूचर में होगा तो एनीथिंग दैट डज नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्यूचर टू बी स्ट्रिक आउट ठीक है इज द ट्रूथ टोल्ड टू अस बाय हर Is the truth, अरे भाई ये ये तो हो गया ना? नहीं, to नहीं. To ना? नहीं, नहीं। ठीक ठीक है? दम, है है है? है सही सही एकदम, वाला गलत इसलिए है क्योंकि यहां पर देखो विल विल दूथ ट्रूथ बी बी टोल्ड टू अस टोल्ड टू अस होना चाहिए ना टू तो लगाओ बीच में प्रपोजिशन तो लगाओ बीच में कनेक्शन कहा बनू मिस्टर सेन आज यू क्वेश्चन मिस्टर सेन ने उससे क्या किया क्वेश्चन पूछा ठीक है ही वॉज आज द क्वेश्चन बाय मिस्टर सेन ही वॉज आज द क्वेश्चन टू मिस्टर सेन ही वॉज आज अ क्वेश्चन बाय मिस्टर सेन ही अ क्वेश्चन वॉज बींग आज बाय मिस्टर सेन ही वॉज आज अ क्वेश्चन बाय मिस्टर सेन अब देखो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थ्री है ना और ऑप्शन नंबर वन दोनों ही सही हो जाते हैं क्योंकि दोनों सेम है और ये ये दोनों ही सेंस बनाते हैं ठीक है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं ठीक है इंग्लिश पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है ठीक है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द पीपल इंग्लिश वॉज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय पीपल इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल देखो सेंटेंस नंबर टू तो और थ्री गलत हो जाता है क्योंकि ये दोनों बोलते हैं बोलते हैं इंग्लिश बोली जाती थी अरे भैया थी थोड़ी ना है अभी भी बोली जाती है हमारे यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही बोली जाती है राइट तो ये तो गलत हो जाता है फोर्थ वाला सेंटेंस यहाँ पर इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर ये तो बोल दिया आपने कि इंग्लिश को लोग बोलते हैं बट ये कहाँ बोला कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको वर्ल्ड को दुनिया को बाहर क्यों निकाल दिया दिस हैज़ ऑल्सो बिन हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन द सेंटेंस राइट तो फर्स्ट आपका सही हो जाता है द टीचर पनिश द बॉयज हु हैड नॉट डन देअर होमवर्क टीचर ने उन लड़कों को पनिश किया जिन लोगों ने अपना काम नहीं किया है द बॉय हुट डन देअर होमवर्क हैड बिन पनिश्ड बाय देर टीचर द बॉयज व पनिश्ड बाय देर टीचर हु हैड नॉट डन देअ होमवर्क ठीक है द बॉयज अब देखो सेकेंड वाला तो एकदम ही गलत है क्या बोल रहा है लड़कों को टीचर के द्वारा पनिश किया गया जिसने काम नहीं किया था टीचर ने काम नहीं किया था अरे ये थोड़ा ना टीचर क्यों काम करेगी राइट द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर पनिश बाय द टीचर ये सही लग रहा है द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर बीइंग पनिश बाय द टीचर ये गलत हो जाएगा बीइंग मतलब क्या उन्हें पनिश किया जा रहा है ठीक है यहाँ पर क्या बोला है पनिश किया गया गया था ठीक है इसलिए ये गलत हो जाएगा तो फर्स्ट और सेकंड में कौन हो, में क्या होगा थर्ड में टाउन हॉल आई वॉज टोल्ड बाई समी अबाउटन इन द टाउन हॉल आई वॉज टोल्ड अबाउट एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल आई वॉज इंफॉर्म दैटर वॉज एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल आई वाज टोल्ड बाई समबडी दैट देयर हैड बिन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल ठीक है अब देखो मुझे जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ ना तो मुझे फर्स्ट डांस में थर्ड सही लग रहा है बट थर्ड सही नहीं है वो गलत है क्यों आई वॉज इन्फॉर्म दैट देयर वॉज एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल इन्फॉर्म किया तो बट संबडी कहाँ गया संबडी को भी तो लेके आओ उसने भी तो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था इसलिए यह आंसर गलत हो जाएगा ठीक है आई वॉज टोल्ड अबाउट द एक्सप्लोजन इन दाउन टाउन हॉल ये भी गलत हो जाएगा आई वॉज टोल्ड बाय समबडी दैट देयर हैड विन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल ये सही लग रहा है आई वॉज टोल्ड बाई समबडी अबाउट द एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल अब देखो फर्स्ट और थर्ड फोर्थ में आंसर विल बी फर्स्ट क्यों क्योंकि फोर्थ में क्या है ना आई वॉज टोल्ड बाई समबडी चलो आप यहाँ पर पैसिव हो जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो पैसिव है उसको किसी के द्वारा बताया गया वेरी गुड है ठीक है किस बारे में बताया गया उसने बोला मेरे को किस मेरे को किसी ने बताया कि टाउन हॉल में एक्सप्लोजन हुआ है ठीक है टाउन हॉल में होता हुआ एक्सप्लोजन अभी भी एक्टिव है ये एक्टिवली लिखा हुआ है सेंटेंस में ठीक है बट यहां पर क्या है ना आई वॉज टोल्ड बाय somebody मुझे किसी के द्वारा बताया गया अबाउट द एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल ठीक है यहां पर एक्सप्लोजन को पैसिव की तरह ट्रीट किया जा रहा है ठीक है यहाँ पर एक्सप्लोजन हो रहा है वो खुद एक्टिंग कर रहा है वो खुद बड़ा एक्टिव है यहाँ पर उसके बारे में बताया जा रहा है इसलिए आंसर विल बी फर्स्ट ठीक है सर्कम विल ऑब्लाइज मी टू गो आई विल ओब्लाइज द सर्कम एंड गो आई शैल बी ओब्लाइज टू गो बाय द सर्कम अंडर द सर्कम आई शुड गो आई वुड बी ओब्लाइज बाय द सर्कम टू गो ठीक है जो सर्कम थी मतलब हालातों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं जाऊं ठीक है ओबलाइज करने का मतलब क्या होता है मजबूर करना ओके okay? इसका आंसर क्या होगा द मोस्ट गुड आंसर दैट आई फाइंड विल बी द सेकंड इज सेकंड नॉट विल बी द सेकंड ठीक है आई शैल बी ओब्लाइज टू गो बाय द सर्कम ओके वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्राइफल्स हम छोटी छोटी बातों पर ना बहुत समय बेकार करते हैं मच टाइम वॉज वेस्टेड ऑन द ट्राइफल्स गलत क्यों गलत हो जाएगा कोई मुझे बता सकता है ठीक है इसका आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में देना ठीक है ये गलत क्यों है प्लीज बताना ओके मच टाइम विल बी वेस्टेड ऑन मी ऑन ट्राइफल्स मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्राइफल्स मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्राइफल्स आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए देखो सेकंड भी गलत हो जाता है सेकंड गलत क्यों हो जाता है ये भी आप मुझे बता सकते हो जिसको फर्स्ट ना पता चले वो सेकंड बता देना ठीक है ये क्यों गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टेंस की बात है किस चीज़ की बातें टेंस की बातें थर्ड विल बी द आंसर मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्राइफल्स ठीक है यहाँ पर ये गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें अस की बात तो हो ही नहीं रही हम ही वेस्ट करते हैं ना मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्राइफल वी कहाँ गया ओके okay? नेक्स्ट हु टॉट यू इंग्लिश किसने पढ़ाई तो मैं इंग्लिश नहीं हाँ मैम ने अरे नहीं, नहीं। इसमें बताना है आपको आंसर ठीक है बाय होम इंग्लिश वॉज टॉट टू taught to you By whom you were taught English ये वाली English तो देख के लग रही है मेरी first class की English ठीक है By whom was English taught to you By whom you are taught English देखो second तो नहीं है ठीक है second कहाँ गया second नहीं है क्योंकि ये तो grammatically क्या हर तरह से गलत है ठीक है By whom English was taught to अरे यहाँ पर बच्चों को ही बाहर निकाल दिया यू कहाँ गया इसलिए ये भी गलत हो जाएगा ठीक है बाय हुम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू ये सही लग रहा है बाय होम यू आर टॉट इंग्लिश ठीक है टॉट टू यू तुम्हें पढ़ाई जाती है ये वाला सही होगा क्योंकि इसमें हर चीज़ पैसिव में है ठीक है वाई हैवेंट दे अलाउड यू टू गो उन तुम्हें अलाउ क्यों नहीं किया जाने के लिए ठीक है वाई यू हैवेंट बिन अलाउड टू गो वाई हैवेंट यू बिन अलाउड टू गो वाई वर यू नॉट अलाउड टू गो वाई यू वर नॉट अलाउड टू गो Why haven't they अलाउड यू टू गो इसका क्या आंसर होना चाहिए वाई यू हैवन बिन अलाउड टू गो ठीक है वाई haven't यू बिन अलाउड टू गो वाई वर यू नॉट अलाउड टू गो वाई यू वर नॉट अलाउड टू गो इसका आंसर होगा आपका कहाँ गया कहाँ गया मेरा पेन थर्ड ठीक है क्या होगा थर्ड ठीक है वाई वर यू नॉट अलाउड टू गो दे हैव मेड हिम अंग उन्होंने उसे राजा बना दिया है ठीक है अंग हैज बिन मेड बाय हिम उसके द्वारा किंग बना दिया गया अरे ये तो सेंटेंस ही खराब कर दिया सेंटेंस का मतलब ही बदल दिया ही वॉज मेड अ किंग बाय देम ठीक है ये सही लग रहा है दे हैव बिन मेड किंग्स बाय हिम उसके द्वारा वो सारी किंग बना दिया गया ये भी गलत है ही हैज बिन मेड अंग हीज बिन मेड अंग या फिर ही वॉज मेड अंग देव मेड एम अंग उसे किंग बनाया गया था ठीक है इसका सिंपल कन्वर्जन क्या होगा दे हैज बिन हैज बिन नहीं हो सकता क्यों क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट का कोई सेंस नहीं है राइट right? इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा सेकेंड हे सबऑर्डिनेट हिम ऑफ वेरियस ऑफेंसेस उसके जूनियर्स ने उसपे बहुत सारे इल्जामों के बहुत सारे इल्जामों मतलब बहुत सारे ऑफेंसेस के यानी क्राइम्स के इल्ज़ाम लगाए ठीक है दे अक्यूज ऑफ वेरियस ऑफेंसेस इट वॉज अक्यूज हिज सबॉर्डिनेट दैट ही हैड डन वेरियस ऑफेंसेस हिज हैडेंबार्डिनेट अक्यूज दैट ही हैज डन वेरियस ओके ऑफेंसेस ही वाज अक्यूज ऑफ वेरियस ऑफेंसिस बाय हिज सबॉर्डिनेट जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई मैंने तो बता दिया मेरा आंसर होगा फोर्थ ही वॉज अक्यूज ऑफ वेरियस ऑफेंसिस बाय हिज सबॉर्डिनेट क्यों क्योंकि इसमें ऑफेंसिस से लेकर उसको द पर्सन उन सबको पैसिव बना दिया गया है ठीक है बहुत सारे क्राइम उसके द्वारा किए जाने का उस पे इल्ज़ाम लगाया गया है इसके ऑफेंसेस उसके सबॉर्डिनेट्स के द्वारा ओके नेक्स्ट आई एक्सपेक्टेड हिम टू गो अस गिव अस फाइनेंशियल एड मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो हमें फाइनेंशियल देगा ठीक है करती थी नॉट कर रही थी इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम टू गिव अस फाइनेंशियल एड लेट इट बी एक्सपेक्टेड दैट ही वुड गिव अस फाइनेंशियल एड इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई मी दैट ही विल गिव अस फाइनेंशियल एड ही मे बी एक्सपेक्टेड टू गिव अस फाइनेंशियल एड अब देखो सेकंड यहाँ पर जो आपका सेकंड है ना सेकंड वो गलत हो जाता है और फोर्थ गलत हो जाता है ठीक है इट वॉज़ एक्सपेक्टेड ऑफ हिम उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था टू गिव अस फाइनेंशियल एड इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी आंसर तो आपका थर्ड ही होगा ना क्योंकि इस सेंटेंस में आई को तो इन लोगों ने गायब ही कर दिया ओके आई कहाँ गया उससे तुमने एक्सपेक्टेशन लगा दी बट एक्सपेक्टेशन लगाई किसने थी आई ने वो कहाँ पर है जो कि हमें मिला थर्ड पे ठीक है हैज़ एनी बडडी डन ऑल द वर्क क्या किसी ने सारा काम कर लिया हैज़ ऑल द वर्क डन बाय एनी समबडी समबडी हैज़ डन ऑल ऑल द वर्क द वर्क हैज़ बिन डन बाय समबडी हैज़ ऑल द वर्क बिन डन बाय समबडी अगर वहाँ पर यह हैज से स्टार्ट हुआ है तो मुझे ये वाला हैज़ सही लग रहा हैज़ ऑल द वर्क बिन डन बाय समबडी ठीक है नेक्स्ट सिगरेट स्मोकिंग काजेज टू मिलियन डेथ्स एनुअली इन द इंडस्ट्रियल स्टेट्स सिगरेट स्मोकिंग हैज़ बिन कॉजिंग टू मिलियन डेथ्स एनुअली इन द इंडस्ट्रियल स्टेट गलत हो जाता है भाई ऊपर बात हो रही है कि सिगरेट स्मोकिंग दो मिलियन डेथ कॉज करती है कॉज कर रही है ये नहीं बोला जा रहा है कंटिन्यूएशन में नहीं है तो आई एन जी कहाँ से आ गया इसलिए ये गलत हो गया ठीक है टू मिलियन डेथ्स आर कॉज एनुअली बाई सिगरेट स्मोकिंग इन द इंडस्ट्रियल स्टेट सही लग रहा है सही है लग क्या रहा है

सिगरेट स्मोकिंग इन दी इंडस्ट्रियल स्टेट जब ऐसे डाउट होने लगे ना तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो सिगरेट स्मोकिंग कॉजे टू मिलियन डेथ एनुअली इन द इंडस्ट्रियल स्टेट्स ठीक है आर बींग मतलब सिंपल प्रेजेंट नहीं ये सिंपल ये ना बेसिकली आपको क्या कर रहा है ये बता रहा है कि ये जो घटना है ना वो हो रही है ठीक है होती है नॉट हो रही है होती है ऐसा ठीक है ऐसा होता जा रहा है ये कोई सत्य नहीं है यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है बट ऐसा होने लगा है इसलिए यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट आर बिंग को यूज़ नहीं करेंगे वी आर गोइंग टू गो विद द सेकेंड ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट इट इज़ टाइम टू टेक टी समय आ गया है चाय लेने का इट वॉज टाइम दैट टी वॉज टेकन इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन इट इज़ टाइम दैट टी शुड बी टेकन इट इज़ टाइम दैट टी हैड बिन टेकन देखो हैड बिन टेकन तो नहीं होगा यहाँ पर पास्ट का कोई सेंस नहीं है ठीक है इट टाइम दैट ये भी नहीं होगा क्योंकि पास का कोई सेंस नहीं है इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन इट इज टाइम दैट टी शुड बी टेकन शुड कहां से आ गया एडवाइस दे रहे हो क्या भाई ठीक है एडवाइस तो नहीं दे रहे हो इसलिए दिस इज रॉन्ग द आंसर विल बी सेकेंड आई होप आपको इस वीडियो को करके मजा आया होगा और अपने एक्टिव पैसिव के स्किल को टेस्ट करने में भी आपको थोड़ा बहुत एक स्केल मिल गया होगा राइट right? अगर आपको लगता है कि यू परफॉर्म रेली गुड देन राइट दैट डाउन एंड द कॉमेंट सेक्शन बिलो इफ यू यू फील की क्या नाम मैं इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था देन ऑल्सो यू कैन राइट दैट डाउन एंड अ कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड एज फॉर दी रिक्वायर्ड हेल्प दैट यू नीड किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में इंग्लिश के अगर आपको कोई हेल्प चाहिए वी कैन मेक अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक ठीक है ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट राइट दैट डाउन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई होप आपकी सीबीटी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी अगर नहीं चल रही है तो कर लो यार किस चीज का वेट कर रहे हो ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाय बाय